खफा नहीं होती, जो कभी खफा नहीं होती, जिसके प्यार में कभी कमी नहीं होती और जिसके दिल में हमेशा दुआएं नहीं होती, वो माँ होती है। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम, अदर स्टाफ मेंबर्स एंड माय लवली मदर्स हु आर सिटिंग हियर टू सेलिब्रेट मदर्स डे विद अस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू गिव ऑल माय हार्टेस्ट ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थ्रो लाइट ऑन मदर्स डे। In 1908, it was first celebrated in US, and after that, 1911, it was observed as a holiday in US, and after that, it was celebrated in whole world. So, worldwide, all the countries celebrate Mother's Day on different dates. In our country, it is celebrated on second Sunday of May every year. So this day is about the respect of mothers, to make them feel special and to give them the love they give us whole year. So this is the day to give that love back to them, to make them feel special on that day. So the struggle of mother, there are no words enough to say how a mother struggles for her kids. So first of all, you know, she carries a baby in her womb for 9 months and she feeds her with her blood and her food. She never cares for her body, and she, after giving birth to her child, she never takes care of her sleep, her hunger. She sacrifices everything, the love of, even the love of her parents, her husband, family members, society. तो एक जो मदर होती है वो सब कुछ छोड़ देती है जब बेबी छोटा होता है, सारे फंक्शंस छोड़ देगी वो, अपने सारे शौक, उसकी जो वो ब्यूटी होती है वो स्ट्रगल कर जाती है उसके लिए। तो ये सब तो हुआ माँ का स्ट्रगल। फिर अभी बच्चे यहाँ पे हैं नहीं, तो माँ के स्ट्रगल के बारे में हम लोगों को पता है, मैं भी एक मदर हूँ, आप लोग मदर्स हैं, ये हमें पता है कि हमने कितना स्ट्रगल किया है। कहते हैं ना कि एक साथ अगर हमारे पूरे शरीर की हड्डियाँ कभी एक साथ टूट जाएं, जितना पेन उसमें होता है ना, उतना एक बच्चे को बर्थ देने में माँ को उससे भी कहीं ज़्यादा पेन सहन करना पड़ता है। तो भगवान को लगा कि मैं हर जगह नहीं जा सकता, हर जगह मेरा पहुँचना मुश्किल है, हर इंसान के पास मैं हर वक्त नहीं रह सकता। तो उसने सोचा कि अब मैं क्या करूँ, तो उस वक्त उसने माँ को बनाया। उसको लगा कि जितना प्यार, जितना अनकंडीशनल लव मैं अपने बनाए हुए इंसानों को दे सकता हूँ, शायद वही अनकंडीशनल लव एक माँ दे सकती है। माँ एक रचयिता होती है, सृष्टि को आगे बढ़ाती है। तो भगवान का रूप है माँ, और एक माँ होने के नाते मैं भी एक माँ हूँ। तो मैं आप सब लोगों को यही कहना चाहूँगी कि माँ होना एक बहुत बड़े ऑनर की बात है, बहुत बड़े गर्व की बात है। आप लोगों को कभी ये नहीं सोचना चाहिए, कई बार होता है कि हमें अपना करियर सेक्रीफाइस करना पड़ता है या हमें बहुत सी चीज़ें सोसाइटी में सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हमें भगवान ने माँ बनने का मौका दिया है तो ये एक बहुत बड़ा ऑनर है। और लेकिन एज अ मदर हम क्या कर सकते हैं बच्चों के लिए? तो एज अ मदर हम यही कर सकते हैं कि जितना हो सके हम बच्चे को एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करके दे सकते हैं। और जैसा कि मैम ने कहा कि हमें हर वक्त कंपटीशन में नहीं रखना है बच्चे को, बच्चे को ये नहीं लगना चाहिए कि वो हर वक्त दौड़ रहा है कंपटीशन में लगा हुआ। उसको हमें ये सोचना चाहिए, शाम को आकर हमें बच्चे को सिर्फ ये पूछना है, बेटा आज क्या नया सीखा आपने? हमें ये नहीं पूछना है बेटा कितने मार्क्स लेकर आया आपने, हमें पूछना है बेटा क्या सीख कर आया, आज क्या नया सीखा आपने, एक चीज। और दूसरी चीज़ ये है कि बच्चों को कभी ये ना बोले कि
बेटा आओ बैठो हम पढ़ाई करेंगे। बच्चा एक दिन आएगा खुशी खुशी, दूसरे दिन उसको लगेगा ये तो बोरिंग है, ये क्या है, ये नोटबुक्स क्या है, लिखना क्या है। बच्चे को हमेशा ये बोले आओ बेटा एक नई गेम खेलते हैं आज, आप कोई आप और कुछ नहीं है किचन से चम्मच ले आओ, आपके नर्सरी के बच्चे हैं अभी चम्मच ले आओ 10-12, चलो बेटा इनको काउंट करते कितने चम्मच होंगे हमारे घर में, चलो बेटा क्लास देखते कितने क्लास होंगे हमारे घर में। अगर आप बच्चे को कभी ये बोलोगे ना कि बेटा चलो कॉपी और पेन लाओ लिखना स्टार्ट करो, कभी भी वो पूरा इंटरेस्ट उनका खत्म हो जाए। आपको हमेशा प्ले वे मेथड से पढ़ाना है, मतलब बच्चे को लगना नहीं चाहिए कि वो पढ़ रहा है, बच्चे को लगना चाहिए कि वो तो खेल रहा था मम्मा के साथ, और इसी तरीके से उसकी पढ़ाई भी हो जाएगी। और एक जो मेन चीज़ जो आजकल के बच्चों की और मदर्स की और सबकी जो एक कंप्लेंट है वो है फ़ोन। फ़ोन जो है बच्चे मतलब खाना नहीं खा रहे हैं, पहले मम्मा फ़ोन सामने रखो फिर खाना खाएंगे, फ़ोन सामने रखो फिर ये काम होगा, फ़ोन नहीं होगा तो रोना स्टार्ट कर देंगे। फ़ोन दो बच्चे को थोड़ी देर, एक टाइम लिमिट, लेकिन माँ तो आप ही है ना उसकी, आपने उसको जन्म दिया, आपसे ज़्यादा स्मार्ट तो नहीं हो सकता ना वो, तो ये तो आपके हाथ में है। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे केस देखे जिसमें बच्चे बिल्कुल ब्रेन डेड हो गया बच्चों का फ़ोन देखते देखते। हम क्या करते हैं कई बार बच्चा परेशान कर रहा होता है तो बेटा फ़ोन ले लो मुझे परेशान मत करो, हम अपने काम में बिजी हो जाते हैं। कई बार हम इतना बिजी हो जाते हैं 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटे, जब हम बाद में आकर देखते हैं तो बच्चा मतलब पूरा, अगर आप फ़ोन लेंगे ना बच्चे से अपने पास, आपको थोड़ी देर तो बच्चे से आप कुछ बात करेंगे वो उसका ब्रेन इतना हो चुका होता है वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा थोड़ी देर, क्योंकि उसका वो ब्रेन बिल्कुल वो फोन देखते देखते बिल्कुल वो काम करना था।